Assalamualaikum everyone, welcome to my first vlog. मैंने vlogging का फ़ैसला literally एक दिन पहले लिया था, इसलिए कोई plan नहीं था and मैंने बस छोटी छोटी video clips record कर ली थी कि मैं इनको बाद में compile करके एक पूरी video बना दूँगी. So here we go with that. Normally सुबह उठते ही the first thing I do is clean the house, लेकिन इनाया की सारी feeders गंदी थी so I quickly wash them all. Generally ये मेरे लिए perfect time होता है कोई भी काम करने के लिए क्योंकि हम और इनाया सो रहे होते हैं, लेकिन today मामा की call आई कि बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनको hospital लेके जाना पड़ेगा. जल्दी जल्दी सारी फीडर्स करी, हमजा और नायक को उठाया एंड हम चले गए बाबा को पिक करने. हेर पहुँचे हम हॉस्पिटल में, पता चला कि बाबा को हाफ डे के लिए एडमिट करना पड़ेगा. सो माय बाबा इज़ लाइक लेजिट स्केयर्ड ऑफ नीडल्स, तो यहाँ पे मेरी बहन कोशिश करी कि उनको पेन ना हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट वाज गेटिंग लाइक वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी टू रिकॉर्ड एनीथिंग क्योंकि आई डोंट नो लोग हॉस्पिटल जाके कैसे व्लॉगिंग कर लेते हैं. जनरली इट्स फनी, एम्बैरेसिंग एंड ऑकवर्ड आप किसी को हॉस्पिटल में रिकॉर्ड कर रहे हो, सो आई जस्ट स्टॉप्ड राइट अवे. साथ ही आई रियलाइज्ड कि व्लॉगिंग के लिए कैमरे को वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल पकड़ना चाहिए. एंड विद दैट आई वेंट होम विद इनाया एंड मामा और वो दोनों जाते ही सो गए. मैं बनाने लगी यखनी और हमजा और महा स्टेट बैक ताकि बाबा को साथ ला सकें. एंड हियर दे आर. मीनवाइल मेरी यखनी बन चुकी हुई थी, मेरी नहीं मुर्गी की बेसिकली, तो उसको मैंने छान के अलग करके रख लिया था. एंड अब मैं श्रिम्स को मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब कर लें, उनकी थोड़ी सी स्मेल भी कम हो जाए. आफ्टर दैट हमजा को जाना था जिम, सो आई स्टॉप व्हाट आई वाज डूइंग और मैंने फिर हमजा को कपड़े निकाल कर दिए. जो भी शॉर्ट ट्राउजर दे दो, ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लू शर्ट. ग्रे नहीं? नहीं, ये ब्लू दे दो. हमसा के जाने के बाद आई वेंट बैक टू कुकिंग और मैंने डिसाइड किया कि डॉक्टर्स कुछ भी कहें, इंसान को बीमारी में और मज़े का खाना खाना चाहिए क्योंकि पहले से मुँह इतना कड़वा हो रहा होता है कि इट्स बेस्ट कि आप चटपटा खाना खाएं. कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताएं इफ़ यू वांट द रेसिपी टू दिस थाई स्टाइल श्रिम करी और मैं उसे अपने किसी अगले व्लॉग में ज़रूर पोस्ट करने की कोशिश करूँगी. कैसा लगा खाना? क्या बहुत मज़ा लगा. क्या लेकर आए हो? बहुत सारी मेरे लिए. कौन सी आई है इनमें से? यही होगी महंगी वाली. सिंस अब इतना थक गए थे कि खाना खाते ही फ़ौरन सो गए और उसके बाद स्ट्रेट अगले दिन उठे और उठते ही इनाया को इतनी भूख लग रही थी कि हमने उसको फ़ौरन खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया, जो कि अपने अंदर ही एक जंग है. हमजा और इनाया माँ बाबा को छोड़ने गए हैं, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से झाड़ू और मॉप कर लूँ, तो हियर आई एम डूइंग द ब्रूमिंग और जगह जगह से इनाया के टॉयज़ निकलते जा रहे हैं एंड आई एम कलेक्टिंग देम एंड पुटिंग देम ऑन द साइड ताकि बाद में उसके टॉय बास्केट में डाल दूँ. एंड इट्स बेटर कि इनाया नहीं है वरना वो चलती है एंड कचरा फैलता है. सो इन केस इफ़ यू ऑल कम एट मी कि मैं एक्चुअली झाड़ू नहीं लगा रही थी, हियर इज़ माई झाड़ू. यहाँ हमजा ने मुझे झाड़ू मारते हुए रिकॉर्ड किया है और मेरे घर में दो बिल्लियाँ, एक इनाया और एक हमजा है, तो इस घर में कचरा ना हो ये हो ही नहीं सकता. बिग बॉस मेरा फेवरेट शो है लेकिन वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा, तब तक मैं देख रही हूँ तमाशा जो कि अदनान सिद्दीकी की वजह से काफ़ी बोरिंग होते जा रहा है दो ही एपिसोड्स में. साथ साथ हम लोग कर रहे हैं चंपी सेशन और हमजा मेरी मामा की तरह मुझे तेल लगाएंगे क्योंकि बहुत अजीब से तेल लगाती हैं. सारा मेरा रिकॉर्डिंग वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से. दे दो गरीब को, दे दो दे दो. अपसेट मजे. सो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि हाउ माय फादर वाज सिक यस्टरडे और क्योंकि मैंने फैसला किया था कि हम मतलब अब व्लॉगिंग करेंगे, तो कैसे अब्बा की बीमारी को हमने इस्तेमाल करते हुए व्लॉग के लिए वीडियोस बनाई है उनको ड्रिप शिप लगते हुए, तो बहुत कंटेंट मेरे अब्बा ने मुझे दे दिया हुआ है. दिस वॉज़ वेरी फनी क्योंकि
आई डोंट नो, दिस इज जस्ट फनी. हम लोग कल से हंस रहे हैं कि मतलब दैट्स अ, मैं ऐसा थंबनेल लगाऊंगी, फादर इन हॉस्पिटल और बाबा को स्ट्रेचर पे डाला हुआ है, और वीडियो लगाऊंगी, आई वंडर लोग कैसे करते हैं, इट्स सो सुपर फनी. बट सही है, जो भी चीज़ कॉन्टेंट प्रोवाइड करे, राइट, कॉन्टेंट के लिए कुछ भी. क्योंकि एक तो ये व्लॉगिंग वाले कैमरे में इधर देखो कि उधर देखो कि किधर देखो, वो समझ नहीं आता है. क्या हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं. ओके okay. नया ओके कोको 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 उठाओ अपना काका. आजा बेटा, नया उठाना पड़ेगा गोदी में. बिल्ला है ना छोटा. वापस आके मैं तेल लगाना है वो सारा कुछ. आई हैव टू धुल गए कपड़ों को, तेल लगाएंगे, लाइटें बंद करेंगे. ता मैं भी आ रही हूँ, मुझे ना छोड़ के जा रहे हो दोनों. ओ तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं गोदी में. जल्दी ले लो, ओ गिर रहा है मेरे हाथों से, गलत एंगल से पकड़ा हुआ है ना. ओ ओ कहाँ आऊँ मैं, नहीं आ सकती ना. बाय बाय. ओ ओ तो हम निकल रहे हैं. माय इमी इज पैक्ड एट द बैक. मैंने आपको क्या लेसन दिया जिंदगी का? कोई आए तो चढ़ा देना. कौन कोई? हाँ. उस पे चढ़ा देना. क्योंकि 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 क्या आगे कुछ पूरा समझाया था. गाड़ी शायद आ जाएगी लेकिन जिंदगी नहीं आएगी, और पीछे से जो फायर होंगे तब नहीं आएगी जिंदगी. और टेढ़ी मेढ़ी जैसे गुस्से में जब हमारी लड़ाई होती है उस समय टेढ़ी मेढ़ी चलाते ना, वैसे चला कर और चोरों को भी डॉज करना, समझ आई? ये है लाइफ लेसन फ्रॉम ईशा फॉर टुडे फॉर कराची एंड फॉर लाइफ. क्या है? ऐड आ गए, बट आ रही हूँ, सबर करो. आ रही हूँ. कराची की सड़कों का हाल कैसे? कराची की बारिशों ने खड्डे गुड्डे कर दिए हैं और गाड़ी डोल डोल के आगे बढ़ गई है. ईद आई थी ना तो फिर उससे मुझे बीफ से मसला हो गया था. अगर अब बताए ना क्या? अब वैसे जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ सिर्फ क्या खाते हैं? अब मैं सिर्फ बिग मैक खाती हूँ. और मैं क्या नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी? अब बिग मैक नहीं खाती. एग्जैक्टली, मैं बीफ खाती ही नहीं हूँ. ये आ गया मेरा फेवरेट, एंड यहाँ जाके अब हम खाएंगे बर्गर. ये क्या हुआ? आप हैं ही पनौती, जहाँ जाते वहाँ खुदाई शुरू हो जाती है. जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ ना, यहाँ मैं जाता हूँ वहाँ से. ये हमारा घर था दूसरा, अब नहीं रहा, अब हम शरीफ हो गए. काट दो जो आपने मेरे वॉलेट से निकाल दिया, चोर ना ले जाए. हाँ, कराची में रहने के लिए आपको अपनी हर चीज़ को अलग रखना पड़ता है कि चोर ना ले जाए. कहाँ रखा है मैंने अब इतने चीज़ों में, मैं कहाँ जा रही हूँ? शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इधर नहीं है. इधर ही है यार, कहाँ जाएगा? ये लो कैश ले लो. कैश नहीं, क्या कार्ड चाहिए? अच्छा भाई, चलो जब तक मैं ढूंढ के देती हूँ फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे. देखा, मिल गया ना दामाद, मिल गया ना. और वीकेंड्स पे नहीं आए, बहुत रश है, बैठने की जगह नहीं है. सिंस वी डाइट, हम एक जन्म के बाद मैकडोनल्ड्स गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीकेंड था और सीट भी नहीं मिली, और इनाया के लिए बेबी सीट भी नहीं मिली. सो गाड़ी से लेके आना पड़ा स्ट्रोलर, और जब खाना आया तो वो भी इतने कोई मज़े का नहीं था, बिकॉज ज़ाहिर है स्टाफ भी ओवरवर्कड होता है. बट सिंस वी पेड फॉर इट, ऑब्वियसली हमने खाना खाया. एंड साथ साथ देयर इज़ अ टिप कि जब यू फिनिश ईटिंग प्लीज़ अपना कचरा खुद फेंक दिया करें, दैट विल हेल्प द स्टाफ, और इससे आप छोटे भी नहीं हो जाएंगे. तो पाकिस्तानी लोग जाहिल हैं, उनको चाहिए कि टेबल सर्विस भी मिले. तो लोग 500 रुपए के बर्गर के पीछे आपको अपना खून भी निकाल कर देते हैं, आपको गुर्दे जिगर सब दे दें, है ना? व्हाट इज जिगर बाय द वे? जिगर इज दिल, दिल लगता है. दिल तो दिल है. नहीं, ओह आई गॉट इट. आप लोग हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, अरे हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज जिगर, इफ जिगर इज दिल और व्हाटएवर. नूब. क्या नूब? पहला ब्लॉग है, मेरी जिंदगी का पहला ब्लॉग है. हमें अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं. मच्छर मार लगा, अच्छा लगा मेरा जोक.
मेरे कमेंट सेक्शन सेक्शन नो नो ओके तो आप अब आप बोले मेरे बिहाफ पे. मैं तो हूँ नूबरा. मैं भी तो. आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन पे हमें बताएं कि जिगर का मतलब क्या है, दिल या जो भी आप लोगों को लगता है. मच्छर उड़ रहे, मच्छर मारो, मच्छर मारो. आप लोग हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं इफ दिल इज नूब. मैं चाह रही हूँ खुदकुशी करने. इफ दिल इज व्हाट, इफ जिगर इज दिल और नॉट, ये मेरा क्वेश्चन है. प्लीज मुझे बताएं इसका जवाब. थैंक यू सो मच. एंड विद दैट आई एंड द व्लॉग नाउ. 2000 इयर्स फाइनली ईशा ने. ओके सब लोगों को बाय बाय कर दो. कह दो बाय बाय. प्लीज मेरी मामा को क्या करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो. ओके 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 गुड. आई जस्ट वांटेड टू गिव आउट अ वेरी स्मॉल मैसेज कि अभी हम गए मैकडॉनल्ड्स एंड व्हाट आई रियली सॉ वाज कि एक फैमिली वाज देयर विद अ मेड. उनका छोटा सा बच्चा संभाल रही थी एंड दे हैड अ गुड मील. आई पर्सनली थिंक कि उनका बिल कम से कम 5-7 हज़ार तो आया होगा. एंड के पीपल वर यू नो गुड financially. तो जब आप कहीं बाहर जाएँ, इफ़ यू आर, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है कि आप एक कोई हाउस हेल्प या कोई भी हेल्प हायर कर सकते हैं, तो आप 300-400 रुपये उन पर खर्च करने का दिल भी करें. बच्चे को संभालने के लिए साइड में बिठा देते हैं और आप सब उसके बराबर में बैठा रहे हो और साइड में कोई गरीब बैठा हुआ, वो आपका बच्चा भी संभाल रहा है, वो आपके घर के काम भी करता है. और फिर आप यू नो व्हेन यू वांट टू हैव अ गुड टाइम एंड यू ब्रिंग देम आउट, आइदर घर छोड़ कर आए एंड देन एंजॉय व्हाटएवर यू वांट टू एंजॉय. प्लीज मेक श्योर दैट यू फीड देम बिकॉज दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अदर्स टू सी कि कोई इंसान सबको देख रहा है खाते पे. इट्स नॉट लाइक समबडी इज लुकिंग एट माय फूड एंड दैट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, लेकिन इट्स जस्ट बेसिक. बट अब मत लेकर आया करें बिकॉज ये एक गरीब के लिए भी जाती है. एंड विद दिस आई एंड माय ब्लॉग हियर एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी व्हाटएवर द ड्रिल इज जस्ट गो फॉर इट एंड शो सम लव. तो हमें पता चले हम और व्लॉग्स डालें या हम इसको भी 4-5 दिन पर डिलीट कर दें. सो या विद दैट it's a bye from me and I guess bye. Okay, hamara vlog acha laga ho to like share follow subscribe kar de jo bhi kar dijiyega. Okay, aur agar aapko ye mera samajh nahi aaya ho to aap tamasha dekh sakte hain, fir aapko samajh aa jayega. Wo bhi to padh ke bolta na. Please, nobody has time for this shit.